अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम पहले अपने मनी एंड मिशन रिलेटेड सोशल एंटरप्रेन्योरियल मॉडल की बात करेंगे जैसा इंट्रोडक्शन में जिक्र हुआ कि सोशल एंटरप्राइज वो एंटिटी है जो एक मिशन और एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को साथ साथ लेके चलता है अगरचे बैलेंस या मिक्स जो है वो फ़र्क हो सकता है लेकिन दोनों लाजमी है एक दूसरे के लिए लाजम है पहला बैलेंस जो है उसको हम एम्बेडेड मॉडल के तौर पे जानते हैं एम्बेडेड मॉडल क्या है स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं एक एंटिटी है जिसके अंदर सोशल प्रोग्राम और उसका जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है दोनों कंबाइन है एक को दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता जो मिशन है वही एक्टिविटी है या एक्टिविटीज़ जो भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके ज़रिए से मिशन को एकम्पलिश किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स अमूमन किसी सोशल प्रॉब्लम से इम्पेक्ट होते हैं उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या वो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है या वो किसी पॉपुलेशन को उससे मुतासर होता देखते हैं तो वो उस कॉज को टेकअप कर लेते हैं अपना मिशन बना लेते हैं कि हमने इस सोशल प्रॉब्लम को हल करना है इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है और थ्रू वो इनोवेटिव थिंकिंग जो कि एंटरप्रेन्योर की खूसियत है उसके ज़रिए से वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनके ज़रिए से वो उस सोशल मिशन को या उस कॉज को अचीव कर सकें उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें ऐसा नहीं होता कि आपका कॉज एक है लेकिन आप किसी दूसरी एक्टिविटी मसलन फ़ंडिंग मसलन डोनेशन कलेक्शन या किसी और तरीके से उसको फंड करके उस कॉज़ को एक्म्पलिश कर सकें यूजुअली ख़ास किस्म के इश्यूज होते हैं जो कि एम्बेडेड मॉडल के थ्रू एड्रेस किए जाते हैं उसकी एक अच्छी मिसाल जो है वो एनवायरनमेंट या सस्टेनेबलिटी के इश्यूज हैं वो सारे फील्ड्स ऑफ लाइफ जिनमें सस्टेनेबलिटी के इश्यूज हैं एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस के इश्यूज हैं उनमें एम्बेडेड मॉडल इस्तेमाल होता है उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल कहीं पे डीफॉरस्ट्रेशन हुई है जंगल काट दिए गए हैं एनवायरमेंट ख़राब हो गया है टेम्परेचर बढ़ गए फ्लड्स आ रहे हैं ऐसे में कोई सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो रिफॉरस्ट्रेशन का मिशन जो है वो अपने लिए सेट करता है कि मुझे इस जगह पे दोबारा से फॉरेस्ट जो है उसको प्रमोट करना है उगाना है और उसको सस्टेन करना है ताकि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोका जा सके और अगर मुमकिन हो तो रिवर्स किया जा सके वो ना सिर्फ दरख्त तो उगाता है बल्कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू कर सकता है कि लोग आए उस जगह को विज़िट करें सैर करें वहाँ पे टाइम स्पेंड करें और इस दौरान वो उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर जो अवेयरनेस मटेरियल है वो फ़राहम कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ उनकी रिक्रिएशन के लिए इस तरह की अरेंज करता है जिससे उनकी सेंस ऑफ uh, जो फेमिलरिटी है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ वो बढ़े और उनके अंदर एक तरह से एक मोटिवेशन पैदा हो कि वो भी किसी ना किसी तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकें इस तरह से जो उसका मिशन है यानी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या रिफॉरस्ट्रेशन उसको अचीव करने के लिए जो उसने एक्टिविटीज़ की हैं जैसे एकोटोरिज़म या फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कर सकता है कि जो उसने नया फॉरेस्ट शुरू किया है उसके अंदर हनी बीज या उन दरख्तों की लकड़ी से कोई सुवीनियर्स बनाना या और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस मिशन से उस पर सेंटर करके उसमें एम्बेडेड होंगी उन एक्टिविटीज़ को और उस मिशन को अलग नहीं किया जा सकता हर एक्टिविटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है मिशन की अकम्पलिशमेंट की तरफ और मिशन है तो एक्टिविटीज़ हैं वरना नहीं है दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता इसीलिए टर्म एम्बेड चीज़ें जो एक दूसरे के अंदर हों जिनको अलग ना किया जा सके ये टर्म इस्तेमाल की जाती है